हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो टोयोटा है वो अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर में वेरिएंट को लेकर एक अपडेट देने वाला था, जिसमें 4x4 है वो ऐड करने वाला था, क्योंकि पहले फॉर्च्यूनर में हमें सिर्फ 4x2 ही ऑफर किया जाता था। अब से हमें 4x4 वो ऑफर किया जाएगा, जो कि अभी लॉन्च कर दिया गया है, मतलब कि अभी रिसेंटली उसको लॉन्च किया गया है। तो भाई बात कर देते हैं लेजेंडर 4x4 की, आपको प्राइस क्या देखने को मिल जाएगी, उसमें कैसे कैसे फीचर्स है वो ऑफर किए जाएंगे, और इसमें इंजन के साथ कौन सा गियरबॉक्स है वो ऑफर किया जाने वाला है। तो सबसे पहले हम 4x4 लेजेंडर की प्राइसिंग की बात कर देते हैं, लेकिन उससे पहले इसका जो 4x2 वेरिएंट आता था उसकी मैं प्राइस में आपको बताऊँ तो कुछ हमें 38.61 लाख रुपीज़ है वो हमें एक शोरूम प्राइस देखने को मिल जाती है। और लेजेंडर 4x4 की प्राइस है वो कुछ हमें 42.33 यानी कि 42.33 लाख रुपये देखने को मिल जा रही है, जो कि 4x2 के कंपेरिजन में कुछ 4 लाख के अराउंड है वो हमें महंगा देखने को मिल जा रहा है, जो कि हम जो स्टैंडर्ड जो फॉर्च्यूनर आती है उसमें जो 4x4 एंड 4x2 ऑफर किया जाता है उसमें कुछ हमें 2.5 लाख या 3 लाख का ही फ़र्क देखने को मिलता है, लेकिन लेजेंडर में हमें 4 लाख के अराउंड मतलब कि पैसों का फ़र्क है वो देखने को मिल जा रहा है। तो ऐसा गैप है वो देखने को मिल रहा है इसमें। और लेजेंडर है वो सिर्फ हमें ऑटोमेटिक में अवेलेबल करवाई जाती है, मतलब कि आपको लेजेंडर में कोई भी मैनुअल का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। और लेजेंडर में मैं इंजन की बात करूँ तो लेजेंडर में जो टोयोटा का 2.8 लीटर का डीजल इंजन है वो ऑफर किया जाता है, इसमें पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। जो स्टैंडर्ड फॉर्च्यूनर आती है उसमें हमें 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, लेकिन लेजेंडर में सिर्फ 2.8 लीटर का डीजल इंजन ही ऑफर किया जाता है, जो कि कुछ 204 पीएस के अराउंड वो पावर जनरेट करता है। तो ये कुछ हमें इसके जो गियरबॉक्स एंड जो इंजन ऑप्शन है वो देखने को मिल जाते हैं, और प्राइसिंग तो मैंने आपको आगे बताई। और भाई आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही अपडेटेड न्यूज़ है वो रोज़ाना चैनल पर आते रहती है, तो आप फ़ायदे में ही रहोगे, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। फिर हम बात कर देते हैं इसके की फ़ीचर्स की लेकर, तो इसमें क्या कुछ हमें फ़ीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले कि हम बात कर देते हैं इसके की फ़ीचर्स में, तो इसमें आपको फ्रंट एंड रियर के जो बम्पर्स है वो नॉर्मल जो फॉर्च्यूनर आती है उसके कंपेयर में आपको लेजेंडर के ऑब्वियसली काफ़ी बढ़िया लुक देते हैं। इसकी फ्रंट ग्रिल है वो आपको लेक्सस की कार से आती है, मतलब कि लेक्सस की जो फ्रंट ग्रिल देखने को मिलती है उससे आपको थोड़ी बहुत इंस्पायर्ड देखने को मिल जाती है, मतलब कि थोड़ा बहुत ऐसा लुक देती है। उसी के साथ साथ इसकी जो ग्रिल है उसमें पियानो ब्लैक हमें फिनिशिंग भी ऑफर की जाती है, और इसमें हमें मशीन कट जो अलॉय व्हील्स आते हैं वो देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ हमें 18 इंच के ऑफर किए जाते हैं, जो कि साइज़ में भी काफ़ी बड़े लगते हैं और रियल लाइफ में देखने में भी काफ़ी कार को ऊंची दिखा देते हैं। फिर भाई अगली बात कर देते हैं इसके हेडलैम्प सेटअप को लेकर, तो हेडलैम्प सेटअप भी हमें नॉर्मल फॉर्च्यूनर के कंपेरिजन में लेजेंडर में बहुत ही बढ़िया दिए गए। इसका लुक आप देखोगे, नाइट में देखोगे, दिन में देखोगे, सभी में आपको बहुत ही बढ़िया लुक दे देता है। इसमें हमें सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, जो कि कार के लुक को और भी ज़्यादा एनहांस करते हैं। दिन में तो वो उतने ज़्यादा मतलब कि लुक वाइज देखने को नहीं मिलते, लेकिन रात में बहुत ही अच्छा मतलब कि लुक है वो दिखा देते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों, इसमें हमें ड्यूअल टोन ऑफर किया जाता है, मतलब कि रूफ है वो ब्लैक देखने को मिलता है, कलर है वो वाइट देखने को मिलता है कार का, तो ऐसा कुछ इसका एक्सटीरियर में ऑफर किया जाता है। इंटीरियर की बात कर दे तो लेजेंडर में हमें ब्लैक एंड मरून कलर का ड्यूअल टोन थीम ऑफर किया जाता है, इंटीरियर थीम, जो कि कार को और भी ज़्यादा प्रीमियम लुक देता है। और भाई टोयोटा है वो अपनी लेजेंडर में JBL के 11 स्पीकर का सेटअप है वो ऑफर करता है, जो कि काफ़ी प्रीमियम है, और उसी के साथ साथ इन 11 स्पीकर के सेटअप में आपको सब वूफर भी ऑफर किया जाता है, जो कि मतलब कि जिनको बहुत ही बेस वाले गाने सुनना पसंद है, और साउंड क्वालिटी तो आपको पता ही है JBL की, मतलब कि बहुत ही तगड़ी साउंड क्वालिटी होती है, और सब वूफर है तो जिनको बेस वाले गाने सुनना पसंद है उनके लिए भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। अगली बात दोस्तों, इसका जो स्टीयरिंग व्हील एंड जो मतलब कि सेंट्रल कंसोल है उसमें आपको स्टिचिंग भी देखने को मिल जाती है कॉन्ट्रास्ट में, मतलब कि जो मरून एंड ब्लैक का कॉन्ट्रास्ट है तो उसके कॉन्ट्रास्ट में आपको स्टिचिंग देखने को मिल जाती है, जो कि कार के लुक वाइज मतलब कि इंटीरियर का जो थीम है उसको और ज़्यादा एनहांस करती है लुक में। उसी के साथ इसका इंटीरियर में आपको एम्बियंट लाइट है वो ऑफर की जाती है, जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट पैनल हो गया, उसी के साथ फ्रंट डोर्स हो गए, मतलब कि फ्रंट डोर की जो साइड होती है मतलब कि वहाँ पर ऑफर की जाती है, फिर जो हमारे जहाँ पर हमारे पैर रखते हैं वहाँ पर नीचे की साइड आपको मिल जाती है, जो कि कार को मतलब कि ऑल ओवर जो एम्बियंट लाइट है वो आपको पता ही है कि कैसा लुक देती है इंटीरियर को, मतलब कि और ज़्यादा लुक को इम्प्रूव करती है। तो ये कुछ हमें इसके इंटीरियर में फीचर्स ऑफर किए जाते हैं। उसी के साथ थोड़ी सी और मैं आपको बताऊँ तो इसमें वेंटिलेशन फ्रंट जो सीट्स है वो ऑफर की जाती है, रियर में USB पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग ऑफर किया जाता है। तो ऐसे कुछ फीचर्स है वो इसके इंटीरियर में ऑफर किए जाते हैं। तो फीचर्स वाइज कोई ऐसा सच में कोई चेंज है वो देखने को मिल नहीं रहा है हमें यहाँ पर, जो मेन चेंज है वो ऑफर किया जा रहा है 4x4 का।
तो भाई जिनको लेजेंडर लुक वाइज पसंद थी लेकिन वो ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए उसको नहीं ले रहे थे क्योंकि उसमें 4x4 अब नहीं आ रहा था, लेकिन अब से उनको 4x4 है वो लेजेंडर में भी अवेलेबल करवा दिया गया है। तो मतलब कि एक पूरी तरीके से कंप्लीट पैकेज वो टोयोटा ने बना दिया है फॉर्च्यूनर को लेकर। तो मतलब कि इसकी जो ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ होती है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। और भाई इसके इंटीरियर में आपको जो इंफोटेनमेंट सिस्टम आती है वो भी देखने को मिल जाती है जो कि कुछ हमें 8 इंच की देखने को मिलती है और ये एंड्रॉयड ऑटो या पर कारप्ले को भी सपोर्ट करती है। तो ऐसे सच हमें कुछ जिसे के अंदर फीचर है वो ऑफर किए जाते हैं और फीचर्स वाइज तो कार वैसे अच्छी है, नो डाउट ऑलमोस्ट सभी कुछ फीचर्स है वो मिल जाते हैं, लेकिन जो फॉर्च्यूनर है वो एक हमें रगेड SUV देखने को मिलती है। मतलब कि इसका जो मेन पर्पज़ है वो ऑफ रोडिंग को लेकर है, तो ऑफ रोडिंग के हमें सारे कुछ इसमें फीचर है, इसकी कैपेबिलिटीज़ है वो हमें मिल जाती है इसमें। तो जो लोग ऑफ रोडिंग पर्पज़ के लिए रहते हैं, जिनको मतलब कि ठाट दिखाना है अपना, तो उनके लिए एक परफेक्ट कार है वो रहती है फॉर्च्यूनर। तो बस दोस्तों फ़िलहाल यही कुछ था वीडियो में, और फॉर्च्यूनर 4x4 लेजेंडर लॉन्च हो चुकी है तो आपके नज़दीकी डीलरशिप्स होते हैं वहाँ पर जाके आप इसका बुकिंग है वो करवा सकते हो। और भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपका कोई क्वेश्चन हो टोयोटा की लाइनअप के किसी भी कार को लेकर या अदर कोई कार्स को लेकर तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही आपने भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ऐसे ही न्यूज़ एंड अपडेट आते रहते हैं जैसे मैंने आपको आगे बताया। तो पहली न्यूज़ एंड अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। एंड लास्ट में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ड्राइव सेफली।